जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम गणित विषय का अध्याय 2 जनक का गांव के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब पिछला अध्याय हमारा अध्याय 1 था संख्याएं। हमने पिछले अध्याय में संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी। अब आज हम जनक के गांव में संख्या तो होगी हमारे पास में, पर कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे आज हम। तो बताइए 542 और 544 में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। पहला ही प्रश्न हमारा है, दो संख्या दे दी है उसमें सिर्फ दो अंकों का अंतर है, तो उसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या छोटी बड़ी कौन सी है। तो निशान हमेशा छोटी संख्या की तरफ कौन सा चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या की तरफ कौन सा चिन्ह लगेगा, और अगर संख्याएं दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगता है। तो चिन्हों की हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना चिन्ह की जानकारी के हम संख्या को छोटा बड़ा नहीं बता पाएंगे। तो जो संख्या बड़ी है उस तरफ ये तीर है जो खुला रहेगा, ठीक है। अब इसे हम बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे हम चिड़िया की चोंच समझ लेते हैं, है ना। चिड़िया की चोंच की आकृति ऐसी ही होती है ना, है एकदम तीखी सी होती है। तो जिस तरफ चिड़िया की चोंच खुली है तो वो तो संख्या हो जाएगी बड़ी, है ना। इधर देखो खुली है तो बड़ी है, और ये हमें अगर इधर की साइड बंद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब संख्या हमारी, जिस तरफ चोंच बंद दिखेगी तो उधर छोटी संख्या दिखेगी, और जिस तरफ चोंच हमें चिड़िया की चोंच खुली दिखेगी तो वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। बहुत आसान तरीके से हम संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। चिड़िया की चोंच खुली है तो संख्या बड़ी है, चिड़िया की चोंच बंद है तो संख्या छोटी है। तो जो संख्या बड़ी हो उस तरफ ये खुला चिन्ह होगा और छोटी संख्या की तरफ बंद होगा, और दोनों और बराबर संख्याओं के बीच में बराबर दो माइनस के निशान, है ना, दो घटाव के निशान, इसको बराबर कहेंगे के चिन्हों का प्रयोग में लाया जाता है। अब प्रश्न हमारा क्या था कि 544 और 542 में से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो 544 की तरफ ये खुला मुंह है चिड़िया का तो ये संख्या बड़ी हो गई, और बंद मुंह है इट मीन्स ये छोटी संख्या हो गई 542। तो अब इसको उल्टा कर लें तो इधर की साइड चोंच बंद हो गई चिड़िया की, इधर खुली हो गई, तो 542 छोटा हो गया, 544 बड़ा हो गया। अब हमें एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है, चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को सभी को। ये चित्र है जनक का गांव, जनक के गांव का दृश्य है। ये चित्र में हमें एक जनक का गांव, जनक नाम का बच्चा है उसका गांव दिखाया गया है। अब उसके गांव में क्या क्या है, ये प्रेम का घर है, ये जनक का घर है, दिखाई दे रहा है सबको, ये प्रेम का घर है। प्रेम के घर पे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, पतंग उड़ा रहे हैं, तीन दोस्त आपस में पतंग उड़ा रहे हैं। ये जनक का घर है, जनक के घर के ऊपर की साइड में पंचायत भवन है, है ना, फिर अटल सेवा केंद्र है, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो राज्य के माध्यमिक विद्यालय बुद्ध नगर है, क्या है, राज्य के माध्यमिक विद्यालय बुद्ध नगर, और उससे आगे बढ़ने पे रूबीना का घर मिलेगा हमें, और उससे आगे एक और घर है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, और पास में कुआं है, कुएं पर से औरतें पानी भर रही है, और उसके बाद में वापस थोड़ा नीचे आते हैं तो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी के पास में एक पेड़ है, चौराया दिखाई दे रहा है, चौराहे पे एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, उससे थोड़ा आगे आएंगे तो एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही है, फिर आंगनबाड़ी के जस्ट पास में मंदिर दिखाई दे रहा है हमें, उसके मंदिर के पास में सरकारी अस्पताल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद में मंदिर के जस्ट पास में छोटू किराना स्टोर भी हमें दिखाई दे रहा है, छोटू किराना स्टोर के पास में हेडपम्प दिखाई दे रहा है हमें। तो ये हमें चित्र में जनक के गांव का दृश्य दिखाई दे रहा है। अब इस चित्र को देख के ही हम हमारे अगले प्रश्न को हल करेंगे, सारे हल इस चित्र के द्वारा ही हम करेंगे। अब हमें ये जगह दे रखी है और इन जगहों में कितने किलोमीटर की कितने कदम की दूरी है वो आगे के प्रश्न में हम देखेंगे। अब जनक के घर से विभिन्न स्थानों की दूरियां इस प्रकार है, हमें अलग अलग जगहों के बारे में बताई दिया कि ये मंदिर है, ये अस्पताल है, ये अटल सेवा केंद्र है, ये आंगनबाड़ी है, रूबीना का घर है, छोटू किराना स्टोर है, सबकी जानकारी दे दी। अब उनके बीच में कितने कदम की दूरी है तो देखो, सबसे पहला पंचायत भवन है, पंचायत भवन की दूरी है जनक के घर से 400 कदम,
ठीक है। ये जनक का घर है और जनक के घर से पंचायत भवन, पंचायत भवन की दूरी कितनी है 400 कदम। फिर अटल सेवा केंद्र, जनक के घर से अटल सेवा केंद्र 440 कदम दूर है। राज्य की माध्यमिक विद्यालय बुद्ध नगर 540 कदम दूर है। और फिर रूबीना का घर, रूबीना का घर जनक के घर से 700 कदम दूर है। दिख रहा है चित्र में आप लोगों को, ये रूबीना का घर जनक के घर से ज़्यादा दूर है तो 700 कदम दूर हो गई, पंचायत भवन थोड़ा पास में था तो 400 कदम, फिर उससे थोड़ा आगे अटल सेवा केंद्र है तो 440 कदम 40 कदम आगे हो गया। फिर राज्य के विद्यालय बुद्ध नगर तो ये हो गया 540 कदम और फिर रूबीना का घर 700 कदम दूर हो गया। फिर अगला है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी जनक के घर से 530 कदम दूरी पे है। फिर है अस्पताल, अस्पताल 545 कदम की दूरी पे है। छोटू किराना स्टोर 650 कदम दूर है और प्रेम का घर 110 कदम दूर है। ठीक है, तो ये हमें सारी दूरियां दे दी है, जनक के घर के पास पास में जो भी जगह हैं उनके दूरी दे दी है हमें। अब हम दूरियां भरिए तथा छोटे बड़े बराबर का चिन्ह लगाना है। ये हमें जगहों के नाम दे दिए हैं, कुछ में दूरियां लिखी भी है और कुछ में दूरियां हम लिख लेंगे कि कितने कदम की दूरी है, और उसके बाद में इसमें छोटे बड़े का हमें चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले अस्पताल की दूरी लिख ली है, अस्पताल हमारा कितना दूर था 545 कदम दूर था तो यहाँ कॉलम में लिख रखा है। फिर रूबीना का घर 700 कदम दूर था तो इसमें से 545 और 700 में से कौन सा बड़ा हुआ, रूबीना का घर बड़ा हुआ है ना, तो जनक के घर से रूबीना का घर की दूरी ज़्यादा है, अस्पताल थोड़ा नज़दीक में है। ठीक है, तो रूबीना के घर की संख्या ज़्यादा कदम दूरी पे है। फिर दूसरा है, अगला कॉलम है छोटू किराना स्टोर, छोटू किराना स्टोर की कितने कदम दूरी पे है 650 कदम दूरी पे। और पंचायत भवन कितने कदम दूरी पे है 400 कदम दूरी पे। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, कौन सी छोटी हो जाएगी, 650 की संख्या बड़ी और 400 संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कितने कदम है 530 कदम पे। और प्रेम का घर, प्रेम का घर है 110 कदम पे। अब बताओ 530 बड़ा 110 छोटा, ठीक है 530 संख्या बड़ी है 110 संख्या छोटी है। फिर है राज्य के माध्यमिक विद्यालय बुद्ध नगर, इसकी दूरी है 540 कदम। और छोटू किराना स्टोर की दूरी है 650 कदम। तो 650 कदम की दूरी बड़ी हो जाएगी क्योंकि 650 540 से बड़ा है, तो इस तरफ ये चिन्ह लग जाएगा, जिस तरफ संख्या बड़ी है उसकी तरफ चिड़िया की गांव हमेशा खुली रहेगी। ठीक है, अब अटल सेवा केंद्र की दूरी कितनी है 440 कदम। आंगनवाड़ी की दूरी कितनी होगी, आंगनवाड़ी की दूरी है 530 कदम। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, 530 बड़ी हो जाएगी 440 से। तो ये सारे चिन्ह लगा लिए हमने। अस्पताल की दूरी रूबीना के घर से कम है, जनक के घर से रूबीना का घर ज़्यादा दूरी पे है तो 545 से 700 बड़ा है। अब 650 से 400 छोटा है, ये छोटे की तरफ निशान रहेगा और ये बड़े की तरफ निशान रहेगा। आंगनवाड़ी 530, प्रेम का घर 110, तो 510 से बड़ा है। ठीक है, 540 राज्य के माध्यमिक विद्यालय बुद्ध नगर, छोटू किराना स्टोर 650, तो 650 540 से बड़ा है, तो ये बड़े का निशान हो गया। अटल सेवा केंद्र 440 है, आंगनवाड़ी 530 है, तो 530 440 से बड़ा है, तो ये बड़े का चिन्ह लग गया इधर। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही घर पे अभ्यास कीजिएगा और बाकी इसके अलावा संख्याएं लिखने की कोशिश करना, गिनती में से कि भी अलग अलग संख्याएं लिखना और देखना कि चिन्ह लगाने की कोशिश करना कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है।